सीमैप अनुसंधान केंद्र में एक दिवसीय किसान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें औषधीय एवं सगंध पौधों की खेती, बाजार वैज्ञानिक उद्योग कृषक संवाद, उन्नत पौध किस्मों व सीमैप उत्पादों का प्रदर्शन किया गया। साथ ही अगरबत्ती और गुलाब जल बनाने का प्रशिक्षण भी दिया गया। तो वहीं औषधीय एवं सगंध पौध सामग्री का विक्रय, मेंथा की जड़ के बारे में जानकारी दी गई। किसान मेले में 500 से अधिक काश्तकारों ने हिस्सा लिया। वहीं एक दर्जन से अधिक अलग अलग पौधों व उत्पादों के स्टॉल लगाए गए। लालकुआं से संवाददाता मुन्ना अंसारी की रिपोर्ट। उस किसान मेले के अंदर जो उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, पंजाब से और नेपाल से भी बहुत सारे किसान यहाँ आए हुए हैं। यहाँ किसानों को इनमें केंद्र के द्वारा अच्छी पौध, अच्छी तकनीक, उसका कैसे प्रोसेस करना है, किस वैरायटी का उत्पादन करना है, किस क्षेत्र में, उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। और यहाँ पर अलग अलग विषय के विशेषज्ञ यहाँ आए हुए हैं। जो भी किसान अपने घरों में जिन समस्याओं का सामना करते हैं, उनका यहाँ समाधान किया जाता है। और ये बहुत ही एक अच्छा कार्यक्रम रहा। संसाधन केंद्र पद्मपुर में आयोजित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि किसानों को किस तरीके से उचित जानकारी, खासकर औषधीय सघन पौधों की खेती से, उसके प्रसंस्करण से, उसके वैल्यू एडिशन से, उत्पाद बनाने के लिए, उन सब की का आयोजन यहाँ पर किया गया। इसमें हम लोगों ने विभिन्न हमारी प्रजातियाँ हैं उनके बारे में किसानों को पूरी जानकारी दी, कौन कौन सी वैरायटी है, कौन कौन से औषधीय पौधे हैं। और उसके साथ साथ महिलाओं के लिए, बहुत बड़ी संख्या में महिलाएँ भी यहाँ पर आई हैं, उनके लिए गुलाब जल बनाने का और अगरबत्ती बनाने की ट्रेनिंग जो महिलाओं को दी जा रही है, जिसमें वो घर पर बैठ के अपना स्वरोजगार कर सके, अपना उत्पाद बना के बाजार में उसको बिक्री कर सकती है।